आज हम लोग करने वाले हैं डीजी में सर्कुलर के पार्ट टू। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने एमसीक्यू पार्ट वन करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 15 तक। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे, जो आपके माइनिंग सीधा एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SRKB माइनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डीजी में सर्कुलर पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज पर डीजी में सर्कुलर 1/2000 द सर्किट कंटिन्यूटी टेस्टर यूज फॉर इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग शुड कन्फर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। डीजी में सर्कुलर 1/2000 के अनुसार इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्किट निरंतरता परीक्षक निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए IS 9836-1971, IS 9836-1981, IS 9846-1971 एंड ऑप्शन डी IS 9856-1981। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड 9836-1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एज पर विच डीजी में सर्कुलर द एक्सटेंट प्रोविजन इज गिवेन अबाउट ऑल पर्सन्स इन द विसिनिटी शुड हैव टेकन प्रॉपर शेल्टर। किस डीजीएम में इस परिपत्र के अनुसार आसपास के सभी व्यक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, उन्हें उचित आश्रय लेना चाहिए था। ऑप्शन ए 7/2001, ऑप्शन बी 7/2002, ऑप्शन सी 5/2002, ऑप्शन डी 11/1977। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज सर्कुलर 7/2001। क्वेश्चन नंबर 18, सर्कुलर नंबर 4/1996 स्पीक्स ऑन विच ब्लास्टिंग सिस्टम व्हेन टू फेसेस आर विद इन 10 मीटर ऑफ ईच अदर। ऑप्शन ए ब्लास्टिंग विथ कार्ड सिस्टम, कार्ड सिस्टम के साथ ब्लास्टिंग। ऑप्शन बी ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ठोस को नष्ट करना। ऑप्शन सी अंडरकट ब्लास्टिंग, अंडरकट ब्लास्टिंग एंड ऑप्शन डी प्री कट ब्लास्टिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लास्टिंग विथ कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एज पर सर्कुलर्स 2/1990 एंड 2/1985 विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज रिकमेंडेड फॉर ब्लास्टिंग इन फायर एरिया। परिपत्र 2/90 और 2/85 के अनुसार अग्नि क्षेत्र में विस्फोट के लिए किस प्रकार का विस्फोटक की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन ए एनजी बेस्ड गन पाउडर, ऑप्शन बी स्लरी एंड इमल्सन घोल और पायस, ऑप्शन सी पावर फ्लो, ऑप्शन डी सोलिगेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लरी एंड इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ ब्लास्टिंग होल शैल नॉट बी चार्ज्ड व्हेन टेम्परेचर इनसाइड द होल एक्सीड्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर सर्कुलर। जब छेद के अंदर का तापमान परिपत्र के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो एक ब्लास्टिंग होल चार्ज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दैट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच मटेरियल इज यूज्ड टू सीलिंग एनी क्रैक एट बॉटम ऑफ शॉर्ट होल। शॉर्ट होल के तल पर किसी भी दरार को सील करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी बेंटोनाइट, ऑप्शन सी अल्कली एंड ऑप्शन डी लाइम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज बेंटोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हु इज ऑथराइज्ड टू कैरी प्राइम्ड कार्ट्रिज इनटू सिंकिंग शाफ्ट। प्राइम्ड कार्ट्रिज को सिंकिंग शाफ्ट में ले जाने के लिए कौन अधिकृत है। ऑप्शन ए ओवरमैन, ऑप्शन बी माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी शॉर्ट फायरर एंड ऑप्शन डी सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज शॉर्ट फायरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एज पर डीजी में सर्कुलर 14/1975 व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ द सेंट्रल स्प्लिट गैलरी दैट डिवाइड्स अ पिलर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डीजी में सर्कुलर 14/1975 के अनुसार सेंट्रल स्प्लिट गैलरी की अधिकतम अनुमेय चौड़ाई क्या है जो एक स्तंभ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए 2.4 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 3.6 मीटर एंड ऑप्शन डी 4.8 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 3.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड विड्थ
ऑफ स्लाइसेस फॉर अ पिलर, एक स्तंभ के लिए स्लाइस की अधिकतम अनुशंसित चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 3.5 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 मीटर, ऑप्शन सी 5.5 मीटर एंड ऑप्शन डी 7.5 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ एक्सपोजर एट एनी वर्किंग प्लेस एट एनी टाइम? किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी समय एक्सपोजर का अधिकतम क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए 15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 45 मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 60 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट नॉइज लेवल एक्सीडिंग 90 डेसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज बीन मेड मैंडेटरी एज पर सर्कुलर 18/1975। 90 डेसिबल से अधिक के शोर स्तर से बचाव के लिए परिपत्र 18/1975 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोमेट्री, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी ईएमजी एंड ऑप्शन डी ऑडियोमेट्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंटिन्यूस टाइप मॉनिटरिंग इज प्रोवाइडेड इन 10th कॉन्फ्रेंस टू डील विथ विच माइन हजार्ड्स? 10वें सम्मेलन में किस खान के खतरों से निपटने के लिए निरंतर प्रकार की निगरानी प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए एक्टिव फायर, ऑप्शन बी एक्सेसिव परसेंटेज ऑफ CH4, ऑप्शन सी नॉक्सियस गैसेस एंड ऑप्शन डी वाटर सीपेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एक्टिव फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रिकमेंडेड एज स्पेशल डिपार्टमेंट? निम्नलिखित में से किस सेवा को विशेष विभाग के रूप में अनुशंसित किया जाता है? ऑप्शन ए सैनिटेशन सर्विसेज स्वच्छता सेवाएं, ऑप्शन बी रिक्रिएशनल सर्विसेज मनोरंजक सेवाएं, ऑप्शन सी वेलफेयर सर्विसेज कल्याणकारी सेवाएं एंड ऑप्शन डी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच डीजीएमएस सर्कुलर हैज मेड प्रिपरेशन ऑफ COP मैंडेटरी टू माइंस? किस डीजीएमएस परिपत्र ने खानों के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस की तैयारी अनिवार्य कर दी है? ऑप्शन ए 2/2001, ऑप्शन बी सर्कुलर 3/2001, ऑप्शन सी सर्कुलर 3/2002 एंड ऑप्शन डी सर्कुलर 5/2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3/2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द एनुअल इंस्पेक्शन प्रोग्राम ऑफ CHP कोल हैंडलिंग प्लांट मस्ट बी कैरिड आउट एज पर विच डीजीएमएस सर्कुलर? CHP का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम किस डीजीएमएस परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 2/1997, ऑप्शन बी सर्कुलर 2/1998, ऑप्शन सी सर्कुलर 2/1999 एंड ऑप्शन डी सर्कुलर 5/2000। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज सर्कुलर 2/1999। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKV माइनिंग ज्वाइन नहीं किया है उसे आप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड कर देता हूँ और क्विज भी करवाता हूँ। मैंने लगभग सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, तो उसे देखना आप ना भूलें। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।